जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने और वहां चुनाव कराने के संबंध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो बताए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा कब मिलेगा। अब गुरुवार को सुनवाई के 13वें दिन केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया और बताया कि केंद्र सरकार कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द वापस राज्य का दर्जा मिलेगा।